नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। वी आर टॉकिंग अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और मैं हूं डॉक्टर वैभव अवस्थी, जो आपको इस लेक्चर में गाइड करने वाला हूं। आज ना अवस्थी सर थोड़े से बीमार है, ओके, बिकॉज शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक रहा है कोरोना और कोविड के चलते हुए। शेड्यूल और ड्यूटी, म्युनिसिपैलिटी ड्यूटी, प्राइवेट ड्यूटी, इट हैज बीन बिकम वेरी डिफिकल्ट, बट चलती का नाम गाड़ी, और मेडिकल फील्ड में मेहनत बहुत जरूरी है। अच्छा, सो लेक्चर के बीच में अगर मैं खांस दूँ या छींक दूँ, ओके, आई विल कवर योर माउथ बट यू डोंट माइंड इट बेटा। सो फॉर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। हमने हमारे प्रीवियस सारे लेक्चर्स में NCERT टेक्स्ट बुक के बेसिक पॉइंट्स ऑलरेडी फिनिश कर दिए बेटा, ओके। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे, सो वही टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे, उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स को समझ के लेंगे बेटा। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांस मतलब चेंज और जेनिक मतलब जीन्स। सो यहां हम लोग प्लांट्स के जीन्स को चेंज कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि वो प्लांट पहले के मुकाबले बेहतर प्लांट बन जाए। ट्रांसजेनिक प्लांट को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स भी बोल सकते हैं, ओके। सो इस पूरे चैप्टर में कभी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड या ट्रांसजेनिक प्लांट एनिमल, ओके, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म बोला ना, इसका मतलब क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म में हमने जीन्स को चेंज किया है ताकि वो ऑर्गेनिज्म में बेहतर वाला जीन्स आ जाए और वो ऑर्गेनिज्म पहले से बेहतर बन जाए। अब ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स का यूज एज बायो फार्मास्यूटिकल्स, अब फार्मेसी फील्ड मेडिसिन से रिलेटेड है, ओके। बायो फार्मास्यूटिकल्स में हम लोग क्या करते हैं ना, प्लांट्स में अच्छे जीन्स डालते हैं ताकि वो प्लांट हमको कोई ना कोई नया केमिकल दे जो इंसानों के काम आ सके। जैसे हम तरह तरह के वैक्सीन्स है, तरह तरह के इंसान के हॉर्मोन्स है, ओके, तरह तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, ये प्लांट्स के माध्यम से बना सकते हैं। सो प्लांट्स के जीन्स को चेंज करेंगे ताकि उससे हमको कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, ओके, जो इंसान के काम में आ सके, जो दवाई के पॉइंट ऑफ व्यू भी काम में आ सके बेटा। सो एज बायो फार्मास्यूटिकल्स दीज प्लांट्स कैन प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स। उसमें कौन से कंपाउंड्स हैं, सबसे पहला कंपाउंड हम लोग कंसीडर करेंगे वैक्सीन्स। सो प्लांट्स के जीन्स को बदल देते हैं, फिर वो प्लांट्स हमको वैक्सीन्स बना के देते हैं बेटा। अच्छा, वैक्सीन्स के साथ साथ कई बार ये हमको एंटीबॉडीज भी बना के देते हैं। एंटीबॉडीज वो कंटेंट होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ता है, तो ये रक्षक सेल है बॉडी का, ओके, डिफेंडिंग सेल है। तो एंटीबॉडीज भी बना के देते हैं, कई बार ये तरह तरह के हॉर्मोन्स भी बना के देते हैं। यानी अगर किसी प्लांट का जीन्स मैंने चेंज कर दिया, उसको इंजीनियर कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया, तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट मेरे को ग्रोथ हॉर्मोन, ओके, तरह तरह के अलग अलग हॉर्मोन्स बना के देगा। अच्छा, फिर ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स और क्या दे सकते हैं हमको, ये हमको दे सकते हैं बायोकेमिकल्स। अब बायोकेमिकल्स में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा तरह तरह का शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स, कॉमनेस्ट एग्जांपल स्टार्च, ओके, यहां नीचे लिख देता हूं। और तो और ये हमको प्रोटीन्स देते हैं, और ये हमको तरह तरह के फैट्स भी देते हैं बेटा। फैट्स का दूसरा नाम लिपिड्स। नेक्स्ट, अदर देन दिस व्हाट दे कैन प्रोवाइड अस इज with different types of perfumes and adhesives. देखा फेविकॉल के ऊपर लिखा रहता है adhesive. So adhesive means what? Sticky substance, जो चिपकाने के काम आता है बेटा। So तरह तरह का perfume और adhesives भी मिलता है हमको transgenic plants से। Next, ये हमको बहुत सारे industrial lubricants भी देते हैं बेटा। अब लुब्रिकेंट्स वो केमिकल होते हैं जो फ्रिक्शन, घसाव को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। जैसे पंखे में अगर समझो आवाज आ रहा है,
घस रहा है तो उसमें हम कैसे तेल डाल देते हैं, फिर हम बोलते हैं तेल लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। सो वैसे ही तरह तरह के इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स भी हमको मिलते हैं। और तो और ये हमको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स भी देता है बेटा। यानी वो प्लास्टिक्स जो खुद ब खुद सड़ सकता है, ओके, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स भी मिलता है हमको। एंड इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड अस विद रिन्यूएबल एनर्जी क्रॉप्स, रिन्यूएबल एनर्जी क्रॉप्स विच कैन बी यूज्ड एज रिप्लेसमेंट फॉर फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स, फ्यूल क्या होता है, जो जलाने के काम आता है, और फॉसिल क्या होता है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो फॉसिल्स से हमको जो फ्यूल मिलता है, यानी जमीन के अंदर से जो हमको फ्यूल मिलता है बेटा, ओके, राइट। अब फ्यूल्स में कितने सारे तरह तरह के हो जाते हैं, जैसे कोयला है, ओके, कोल है, ओके, उसके साथ साथ पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे जो फ्यूल्स है ना, ये लिमिटेड होते हैं, ओके, और एक टाइम आने पर ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो ये फ्यूल्स को इस्तेमाल करने के बदले हम ऐसे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलेगा, और ये क्रॉप्स हमको बार बार अवेलेबल होंगे, इसलिए इसको रिन्यूएबल एनर्जी क्रॉप्स बोलते हैं बेटा। सो ये फायदा है ट्रांसजेनिक प्लांट्स का बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बेटा। अब आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट की तरफ। एक्स्ट्रा पॉइंट नंबर वन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन डाला गया है, कौन से प्लांट में डाला गया है? सो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन डाला गया है इनटू द क्लोरोप्लास्ट डीएनए ऑफ टोबैको प्लांट। ओके, यानी इसमें तुमको है ना ये टोबैको प्लांट याद रखना है कि इंसान का ग्रोथ हार्मोन, सोचो अब फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों का है ना कद छोटा रह जाता है एकदम, सर्कस में तुमने वो बौने लोग देखे रहेंगे एकदम छोटे छोटे होते हैं हाइट में, ओके, अब उनमें कैसे ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है, और ग्रोथ हार्मोन नेचुरली हमारे बॉडी में बनता है, और उनके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा है। सो एक टाइम था हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं था, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन नेचुरली हमारे बॉडी में बनता है। अब वो ग्रोथ हार्मोन वाला जीन निकाल के हमने प्लांट्स में डाल दिया ताकि वो प्लांट ट्रांसजेनिक बन जाएगा, उसमें भी खास करके कौन से प्लांट में, टोबैको प्लांट में। सो ये टोबैको अब नॉर्मल टोबैको नहीं रहा, ये बन गया ट्रांसजेनिक टोबैको जिसके अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन है। फिर ये टोबैको खुद ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने लगता है जिसको प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्शन में भर दिया जाता है बेटा। और फिर ऐसे जो सारे पेशेंट है जिनको ड्वार्फिज्म होता है, ड्वार्फिज्म यानी छोटी कद के, हाइट बहुत छोटा होता है, क्योंकि उनमें ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है, तो उनको ग्रोथ हार्मोन प्रोवाइड किया जा सकता है बेटा। ओके, आगे नेक्स्ट, वी हैव ऑल्सो मेड ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट 3 इन्फेक्शंस। 3 वायरस के खिलाफ हमने एंटीबॉडीज बनाई है ट्रांसजेनिक प्लांट्स की मदद से। ओके, अब उसमें फर्स्ट वायरस है एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म इज ह्यूमन गणपति बाप्पा इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, आरएसवी stands for respiratory syncytial virus। तीनों का फुल फॉर्म जरूरी है बेटा, HSV is human, ओके, और यू कैन कॉल इट एज herpes, नहीं तो फिर क्या डबल एच हो जाएगा, ह्यूमन herpes से बेटर है यू कॉल इट एज herpes simplex virus। तीनों फुल फॉर्म में सबसे डिफिकल्ट क्या है सर? वी, वी से वायरस, मजाक मत करो, चलो ध्यान दो। ओके, तीनों का फुल फॉर्म अच्छे से आना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ये तीनों के खिलाफ हमने एंटीबॉडीज बनाई है ट्रांसजेनिक प्लांट्स की मदद से। इसमें से जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है ना, इट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ
कॉमन सोर्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज कोल्ड सोर्स. ये कोल्ड सोर जो होता है ना, ये होंठ के बाजू में छोटी छोटी फोड़ी आने लगती है, फ्लूइड फिल्ड इरप्शन आने लगता है, जिसको जैसे फीवर ब्लिस्टर्स, बुखार में कैसे छोटे छोटे दाने आने लगते हैं होंठ के बाजू में, उस तरह का आता है. और ये यूजुअली होता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के वजह से. ओके, दिस हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, इसके खिलाफ भी हमने एंटीबॉडी बना लिया है बेटा. आगे नेक्स्ट, प्रोटीन एंटीजन टू बी यूज इन वैक्सीन. एंटीजन का मतलब होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. ओके, और ये जो प्रोटीन है ये वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाता है. अब कौन सी वैक्सीन में, इसका एग्जाम्पल इज पेशेंट स्पेसिफिक एंटी लिम्फोमा वैक्सीन. अब इसमें लिम्फोमा एक टाइप का क्या है, कैंसर है. ओके, यानी अगर समझो मैंने एक एंटीजन यानी कैंसर का सेल, समझो ये कैंसर का सेल है, इसका ना मैंने एक टुकड़ा तोड़ लिया, ये टुकड़ा तोड़ दिया ऊपर. अब ये टुकड़ा ना प्रोटीन का बना है, इसको मैं बोलूंगा एंटीजन. फिर ये एंटीजन को मैं इंजेक्शन में भर लेता हूं, और वो इंजेक्शन समझो मैंने एक पेशेंट को मार दिया, तो पेशेंट के बॉडी में वो टुकड़ा जाएगा और उसके बॉडी के रक्षक सेल्स उस टुकड़े के खिलाफ ओके लड़ने की क्षमता डेवलप करते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर उसके पास ऐसे बहुत सारे डिफेक्टिव कैंसर के सेल्स आए या फिर उसको कैंसर का बीमारी हुआ, तो उसके रक्षक सेल्स पहले से ही उससे निपटने की पूरी तैयारी कर चुके होते हैं. ओके, सो इस तरह से लिम्फोमा नाम का जो कैंसर है उसके खिलाफ वैक्सीन बनाई गई है, दैट इज एंटी लिम्फोमा वैक्सीन, ये याद रखो. नेक्स्ट, अब लिम्फोमा में टाइप होता है बी सेल लिम्फोमा. इस कैंसर का नाम लिम्फोमा इसलिए रखा है क्योंकि इसमें ना लिम्फोसाइट्स जो है ना वो डिफेक्टिव होते हैं. लिम्फोसाइट्स एक तरह के WBC होते हैं, इसमें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं. इम्यूनिटी वाले चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करते हैं बेटा. बी यानी बोन मैरो और टी यानी थाइमस. अब जो लिम्फोसाइट्स, जो WBC, बोन मैरो यानी हड्डी के अंदर जो नरम मटेरियल है वहां पर पले बड़े हैं, वहां पर मेच्योर हुए हैं, डेवलप हुए हैं, उसको हम लोग बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं. और जो WBC थाइमस में पले बड़े हैं, वहां मेच्योर हुए हैं, उनको हम लोग टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं. ये कैसा हो गया ना, लिम्फोसाइट्स एक तरह का WBC है, और WBC यानी फाइटिंग सोल्जर्स. अब हमारे जो जवान हैं जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, उनमें से समझो कुछ जवान उनका ट्रेनिंग बंगाल में हुआ है और कुछ जवान का ट्रेनिंग तमिलनाडु में हुआ है, तो वैसे मैं उसको बोलूंगा कि ये बी सोल्जर है और ये टी वाला सोल्जर है, डिपेंडिंग अपॉन उनका ट्रेनिंग कहां पर हुआ है. ओके, अब उसी तरह से बी सेल लिम्फोमा जो है ना, उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्टिव बी सेल्स बनते हैं, और ये सारे सेल्स को हम लोग मैलिग्नेंट सेल्स बोलते हैं. ओके, मैलिग्नेंट सेल्स यानी डिफेक्टिव सेल्स, डेंजरस टाइप ऑफ कैंसर. ओके, ये बहुत ही खतरनाक कैंसर होता है मैलिग्नेंट, जो बार बार आते रहता है. अब बी सेल लिम्फोमा में बहुत सारे डिफेक्टिव बी सेल्स हैं और सारे सेल्स हार्मफुल है, मैलिग्नेंट सेल्स है. उसके सरफेस के ऊपर ना यूनिक एंटीबॉडीज होते हैं बेटा, तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है सो एज टू फाइट अगेंस्ट दिस कैंसर कॉल्ड एज लिम्फोमा. आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट, ट्रांसजेनिक प्लांट की मदद से हमने बनाया है सुपर ग्लू. ग्लू यानी गम, जो चिपकाने के काम आता है. अब ये सुपर ग्लू हमने बनाया है टोबैको प्लांट से. तो सुपर ग्लू बनाने वाला जो जीन है वो हमने टोबैको प्लांट में डाला, ताकि टोबैको प्लांट हमको ये सुपर ग्लू देता है. अब ये सुपर ग्लू के मदद से ना मसल्स आर स्टक टू रॉक्स. अब मसल्स क्या होता है, मसल्स एक तरह का ना मोलुस्का है. ओके, एक तरह का ना समुद्री जानवर है, एनिमल किंगडम में फाइलम मोलुस्का के कैटेगरी को बिलोंग करता है. और ये क्या है ना, बड़े बड़े पत्थर और चट्टान रहते हैं, उसको बहुत टाइटली चिपके रहते हैं बेटा, बहुत ही ज्यादा टाइटली चिपके रहते हैं, इतना आसानी से निकलते नहीं. क्यों टाइटली चिपके रहते हैं, क्योंकि इनके पास ये सुपर ग्लू होता है. और इनका ये जो सुपर ग्लू बनाने वाला जीन है, इस तरह का सुपर ग्लू बनाने वाले जीन को हमने निकाला, टोबैको प्लांट में डाला. अब ये टोबैको प्लांट साधारण टोबैको प्लांट नहीं रहा,
अब ये टोबैको प्लांट बन गया है ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट, और यू कैन से जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट, और वी कैन से जेनेटिकली इंजीनियर्ड टोबैको प्लांट, और ये हमको सुपर ग्लू बना के देता है। और ये सुपर ग्लू का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं? वी आर यूजिंग इट फॉर सर्जिकल वुंड रिपेयर। अब समझो किसी को अगर जख्म हो गया, चमड़ी फट गया है, कितना बड़ा घाव है, ओके, लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल ये उसका चमड़ी फट गया, तो अब पहले हम लोग क्या करते थे, इधर टांका लेते थे, ओके, डॉक्टर क्या है ना, एक तरह से उसको स्टिच करता था। सो व्हाट वी डॉक्टर्स यूज्ड टू डू इज इतने पार्ट को बेहोश करके हम लोग यहाँ टांका ले लिया करते थे। अब मॉडर्न तरीके के हिसाब से टांका लेना यानी वापस से और नीडल से चमड़ी को छेद देना, ओके, वी नीड टू पेनिट्रेट द स्किन, सो उसमें भी तकलीफ होती है। सो उससे बेटर है ना, हमारे पास ये एक ऑप्शन आया सुपर ग्लू, यानी ये सुपर ग्लू को स्किन के एजेस में लगा के स्किन को अप्रोक्सीमेट करके एकदम टाइट ड्रेसिंग कर देते हैं, टाइट पट्टी बांध देते हैं, और उसके मदद से वो स्किन चिपक जाता है। और एक बार वंस द एजेस ऑफ द स्किन आर अप्रोक्सीमेटेड, ओके, फिर अंदर है ना हीलिंग अपने आप होता है, और हीलिंग राइट डायरेक्शन में होता है बेटा। सो इमेजिन दिस सुपर ग्लू कैन बी यूज्ड इन केसेस ऑफ वुंड रिपेयर, ओके, जहां पर हमको ज्यादा सर्जिकल टांका लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। सो हर ऑपरेशन के बाद, हर जख्म के बाद ये सुपर ग्लू का इस्तेमाल किया जा सकता है बेटा एज एन ऑल्टरनेटिव। चलो ठीक है, अब इतने सेक्शन का तुम स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो बेटा कंटिन्यू करें। सो वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेनिक प्लांट्स, अब ना बेटा लास्ट पार्ट है, बट इंफॉर्मेशन बहुत सारा है, ध्यान देना अच्छे से। सो प्लांट्स का जीन्स चेंज कर रहे हैं हम लोग। अब प्लांट्स का जीन्स चेंज करके उनमें देखो कौन सा जीन डाला हमने, ऑयल एनकोडिंग जीन फ्रॉम मरीन एल्गे, मरीन एल्गे से तेल बनाने वाला जीन निकाला, प्लांट्स के अंदर डाला। अब प्लांट्स हमको तेल बना के देता है, और ऐसा तेल बना के देता है, सो नाउ इट प्रोड्यूसेस ऑयल विद न्यूट्रिशनल वैल्यू विच इज सिमिलर टू कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल, ओके, इट इज यूज्ड एज मेडिसिन, और ये कैसा है, मछलियों से मिलता है हमको। सो हमने क्या किया, मरीन एल्गे से तेल बनाने वाला जीन निकाला, प्लांट्स में डाला, वो प्लांट बन गया ट्रांसजेनिक प्लांट, और अब वो हमको तेल बना के देता है जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू इज सिमिलर टू कॉड लीवर ऑयल, ओके। आगे, ट्रांसजेनिक प्लांट आल्सो प्रोड्यूसेस जीन्स व्हिच लेटर ऑन गिव्स अस केमिकल्स व्हिच आर एंटी मलेरियल्स, और इसका एग्जांपल है आरटीमेसिन इन, ओके। अब आर्टिमेसिन इन एक ऐसा केमिकल है जो मलेरिया के जंतु को मार देता है, उसको एंटी मलेरियल्स बोलते हैं। अब हमने ना प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में ऐसे जीन डाल दिए, उस जीन की मदद से वो लोग आर्टिमेसिन इन नाम का केमिकल बनाने लगते हैं, और ये आर्टिमेसिन इन नाम का जो केमिकल है इससे दवाई बनती है मलेरिया के खिलाफ। नेक्स्ट, फिर हमने ट्रांसजेनिक पॉपी प्लांट बनाया। नॉर्मल पॉपी प्लांट हमको केमिकल देता है जिसके वजह से दर्द में आराम रहता है, पेन किलर का काम करता है, बट यही पॉपी प्लांट में हमने एडिशनल जीन डाला, ओके, और उसको चेंज किया। अब ये ट्रांसजेनिक पॉपी प्लांट गिव्स अस मोर पावरफुल पेन किलर्स। सो इसका जो पेन किलर मिलता है अपने को, अब वो काफी ज्यादा पावरफुल है बेटा। लास्ट, ट्रांसजेनिक प्लांट्स विच आर प्रोड्यूसिंग एडिबल वैक्सीन्स। एडिबल वैक्सीन वो है जिसमें ना इंजेक्शन नहीं देना पड़ता है, ये वैक्सीन ना खाने के माध्यम से आ जाता है, यानी कुछ प्लांट्स को तुम खा जाओ, उस प्लांट्स के अंदर ही वैक्सीन का कंपोनेंट है जो तुमको बीमारी से लड़ने के लिए काम में आएगा बेटा। अब ऐसे कौन से प्लांट्स है जिसको हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बना दिया है और वो एडिबल वैक्सीन के काम आता है? सो इसका एग्जाम्पल दैट वी विल टेक इज बनाना, अल्फाल्फा, 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 सोयाबीन, सीरियल्स, टोमेटो,
एंड पोटैटो। सर इसको मैं कैसे याद रखूं? इसको ऐसे याद रखो, सीरियल देखना बस कर दिया मैंने, बस। बी से बनाना, ए से अल्फा अल्फा और एस से सोयाबीन। सीरियल देखना, टीवी, टीवी को इडियट बॉक्स बोलते हैं ना, सो सीरियल देखना मैंने बस कर दिया। और जब भी सीरियल लगाते हैं तो मैं उस पर टोमेटो और पोटैटो फेंक के मारता हूँ। ओके, हम किसी को टमाटर मारते हैं ना, सो हम डिसरिस्पेक्ट दिखाते हैं ना, कोई शो में या ऑडिटोरियम में कोई चीज़ हमको पसंद नहीं आए, सो वैसे इसको याद रखना। ओके, सीरियल देखना बस, फिर भी अगर चलाए तुम तो टोमेटो और पोटैटो। ओके, अच्छा अब बात देखो कैसी है बच्चों, यहाँ कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि ये एडिबल वैक्सीन है। इमेजिन वन बनाना, एक बनाना तुम अगर खाएगा ना, सो बनाना के अंदर ही वैक्सीन है जो तुमको पता ही नहीं है, तुमको लग रहा है तुम बनाना खा रहे, बट ये साइंटिस्ट लोग तुमको बना रहा है, यानी अनजाने में तुमको वैक्सीन भी दे रहा है बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का ना सबसे टफ टेबल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ओके, इस टेबल में हम लोग ये देखेंगे कि कौन से क्रॉप में मैंने कौन सा जीन डाला है जिसके मदद से वो मेरे को कोई ना कोई नया सब्सटेंस देगा, और सब्सटेंस का बेनिफिट क्या है, उसका पोटेंशियल बेनिफिट क्या है। ठीक है बेटा, अच्छा अब इसको हम लोग ऑर्डर में करते हैं बेटा। सबसे पहले राइस क्रॉप की बात करते हैं। ओके, राइस क्रॉप में कुछ जीन्स हमने ऐसे डाले हैं जिसके मदद से राइस क्रॉप हमको प्रो विटामिन ए दे रहा है। ओके, और ये राइस क्रॉप हमको आयरन भी दे रहा है। अब नॉर्मली राइस खाने से अपने को विटामिन ए और आयरन नहीं मिलता है बेटा। ओके, बट इस राइस क्रॉप में हमने कुछ स्पेशल जीन डाले हैं जिसके मदद से अब वो हमको विटामिन ए और आयरन भी दे सकता है। अच्छा, प्रो विटामिन ए यानी द इमेच्योर फॉर्म, द कच्चा फॉर्म। ओके, वो बॉडी में जाके प्रो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। ऑलराइट, नेक्स्ट। इसके अलावा ओके, नेक्स्ट हमको विटामिन ई भी मिलता है। विटामिन ई कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट से मिल रहा है? तो ये हमको कैनोला नाम के प्लांट से मिल रहा है। और तो और हमको फ्लेवोनॉइड्स नाम के केमिकल भी मिलते हैं। ओके, ये फ्लेवोनॉइड्स कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट से मिल रहा है? तो टोमेटो याद रखो बेटा। ओके, और फ्रक्टेंट्स नाम के केमिकल भी मिलते हैं। और ये फ्रक्टेंट्स हमको किससे मिल रहा है? ये हमको मिल रहा है शुगर बीट से। अब इसमें से विटामिन ए, विटामिन ई और फ्लेवोनॉइड्स, ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। इस टेबल को बाय हार्ट करने का ट्रिक भी बताऊंगा बेटा, ध्यान देते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स जैसा कि वर्ड बताता है बेटा, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट एंड ऑक्सीडेंट रिफर्स टू ऑक्सीडेशन। इसका ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखो, हमारे बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं बेटा। ओके, बहुत ही हार्मफुल फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, नहीं तो फिर ये फ्री रेडिकल्स हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं बेटा। ओके, और ये फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ओके, थोड़ा डिटेल में देखोगे ना तो ये केमिस्ट्री के हिसाब से जाता है। ओके, यहाँ पर अल्टीमेटली होता क्या है ना कि कुछ केमिकल्स ऐसे बनते हैं हमारे बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स के एक एक सेल और उसके केमिकल कॉन्टेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेन देन के टर्म्स में। इतना ज्यादा डिटेलिंग में नहीं भी जाएगा तो भी चलेगा, सिर्फ इतना याद रखना फ्री रेडिकल्स बहुत बुरे होते हैं। ये ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे बॉडी में बनते हैं जिसके वजह से ऑर्गन को डैमेज पहुंचता है। और एंटीऑक्सीडेंट यानी विटामिन ए, विटामिन ई, ये सब खाएगा ना तो बॉडी में जितना भी फ्री रेडिकल्स है जो तेरे ऑर्गन को डैमेज करने वाला है वो सारे फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट फ्रक्टेंट्स। अब फ्रक्टेंट्स का बेनिफिट क्या है कि इट इज हैविंग लो कैलोरीज। ओके, और आयरन का बेनिफिट क्या है? इट गिव्स आयरन फोर्टिफिकेशन।
अब ना सबसे पहले जीन का पूरा सेक्शन भर लेते हैं बेटा, फिर इसके बाद में तुमको इसका ट्रिक सिखाता हूँ। ओके, अब ये राइस में हमने कौन सा जीन डाला है, तो इसमें हमने डाला है फाइटो इन सिंटेस, और दूसरा एक जीन डाला है लाइको पीन साइक्लेस। चल मेरे साथ पढ़, फाइटो इन सिंटेस लाइकोपीन साइक्लेक्स। खाली बोलना सीख ले, टेक्निक बताता हूं तुझे थोड़ी देर में बेटा। अच्छा, कैनोला के अंदर हमने डाला है गामा, ये गामा का साइन बेटा, अल्फा बीटा गामा होता है ना वैसा, गामा टोकोफेरॉल मिथाइल ट्रांसफरेंस। ठीक है बेटा, गामा टोकोफेरॉल मिथाइल ट्रांसफरेंस। दो मिनट, फोन बज रहा है। ऑलराइट, गामा टोकोफेरॉल मिथाइल ट्रांसफरेंस। नेक्स्ट, कमिंग टू टोमेटो, टोमेटो के अंदर हम लोग ने कौन सा जीन डाला है बेटा, तो टोमेटो के अंदर हमने डाला है चेलोन आइसोमरेस। याद रखना, चेलोन आइसोमरेस। शुगर बीट में हमने डाला है वन सुक्रो ईस सुक्रेस फ्रक्टोसिल ट्रांसफरेस। वन सुक्रो ईस सुक्रेस फ्रक्टोसिल ट्रांसफरेस। और लास्ट आयरन में हमने डाला है फेरेटिन नाम का जीन, इसमें तीन जीन है बेटा। नेक्स्ट है मेटेलो थियो इन, और लास्ट है फाइटेस। ओके, अब पहले इसका अंडरस्टैंडिंग देखो। नॉर्मल वाला राइस ना हमको साधारण से पोषण देता है, पर राइस में जब मैंने फाइटो इन सिंथेटेस और लाइकोपीन साइक्लेज नाम का जीन डाला, तो ये राइस मेरे को प्रो विटामिन ए देता है। तो ये राइस को मैं खाऊंगा ना, मुझे प्रो विटामिन ए मिलेगा, जो मेरे बॉडी में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होगा और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करेगा। नेक्स्ट, इसको देखो ऐसे पढ़ने का। ओके, कैनोला नाम का जो क्रॉप है, ओके, इसमें अगर मैंने गामा टोकोफेरॉन मिथाइल ट्रांसफरेज नाम का जीन अगर डाल दिया, तो ये मेरे को विटामिन ई बना के देगा। फिर ये प्लांट को जब मैं खाने के माध्यम से खाऊंगा बेटा, तो ये मेरे को विटामिन ई देगा, जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करेगा। नेक्स्ट, टोमेटो के अंदर चेलोन आइसोमरेज नाम का जीन अगर डाल दिया, तो ये फ्लेवोनॉइड्स देगा मुझे, और ऐसा टमाटर खाने से फ्लेवोनॉइड्स मेरे शरीर में आएगा, ओके, और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करेगा। शुगर बीट में अगर मैंने वन सुक्रो ईज या सुक्रेज फ्रक्टोसिल ट्रांसफरेज जीन डाल दिया, तो ये फ्रक्टेंट्स बना के देता है, ऐसा शुगर बीट लो कैलोरीज देगा, यानी इसको मैं खाऊंगा ना तो मेरा शुगर लेवल ज्यादा बढ़ेगा नहीं, मीठा लगेगा पर इतना ज्यादा ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। ओके, सो बॉडी के बेसिक पैरामीटर्स इससे कंट्रोल में रहता है, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम है बेटा। राइस में अगर मैंने फेरेटिन जीन डाल दिया, या तो मेटेलोथियोइन जीन डाल दिया, या तो फाइटेस जीन डाल दिया, तो ये राइस मेरे को आयरन भी देगा, और समझो अगर मुझमें आयरन की कमी है तो वो आयरन का लेवल को ये फोर्टिफाई कर देगा, यानी बढ़ा देगा बेटा। सो आयरन फोर्टिफिकेशन करवा देगा। अब इसको मैं याद रखूं तो कैसे याद रखूं? अब इसमें सबसे पहले तुम हवा याद रखो, एयर। आर से क्या? राइस। ए से क्या? विटामिन ए। और आई से क्या? आयरन। सो ट्रांसजेनिक राइस तुमको विटामिन ए और आयरन दे रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले ये याद रखना बेटा। अच्छा, फिर उसके बाद तुम लोग याद रखो, ई जो है ना, ई, ओके, वो ई का अगर मैं बीच वाला ये निकाल दूं, तो ई क्या बन जाएगा? सी, यानी कैनोला। ऐसे जमे तो ऐसे याद रखो, या तो ऐसे एक वर्ड याद रख लो, एक्स्ट्रा कैन, सी ए एन, कैन, कैन नहीं आता डब्बा, ओके, एक्स्ट्रा कैन। सो ई से एक्स्ट्रा, ई से विटामिन ई, कैन से कैनोला। नेक्स्ट, फ्लेवोनॉइड्स का डायरेक्टली याद रखो, बहुत ही फ्लेवर वाला टमाटर आया है मार्केट में, फ्लेवर वाला टमाटर मार्केट में। नेक्स्ट, फ्रक्टेंट्स, इसमें एंट्स याद रखो, चीटी,
चींटी कहां लगेगा? जहां शुगर होगा ना, सही है? जा रहा है आसान, शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूं। पहले हवा याद रखने का, सो राइस से तुझे विटामिन ए और एयर हमेशा याद रहना चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा कैन याद रखो, यानी विटामिन ई किससे मिलेगा? कैनोला से मिलेगा। फ्लेविनॉइड्स किससे मिलेगा? तो फ्लेवर वाला टमाटर था बेटा। और फ्रक्टेंस एंड कहां लगेगा? जहां शुगर है बेटा, तो शुगर भी है। नेक्स्ट, अब इसके जीन को कैसे याद रखें? राइस के मामले में व्हाट यू विल रिमेंबर इज फाइटोइन सिंथेस लाइकोपीन साइक्लेज। ओके, फाइटोइन लाइकोपीन, ये राइमिंग जैसा है। ओके राइट, सो उस तरीके से इसको याद रखो। एक्स्ट्रा कैन में इसको आप चाहिए तो शॉर्टकट बना लो, GTMT, गामा टोकोफेरॉल मिथाइल ट्रांसफरेंस, GTMT। तो पहले मैं फाइटोइन लाइकोपीन राइमिंग राइस के लिए, फिर GTMT फॉर एक्स्ट्रा कैन। अच्छा, अब फ्लेवर वाला टोमेटो लेने चलो, तो चलोन याद आ जाएगा। MCQ में तो मार्क ही करना, पूरा नहीं भी रट्टा मारेगा तो भी चलेगा। ओके, सो चलो याद रखो। फिर जहां शुगर है वहां देखो सुक्रो सुक्रो है। ओके, सो उस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा। आयरन का दूसरा नाम फेरम है तो फेरिटिन, मेटल है तो मेटेलो भी याद आ जाएगा। एक फाइटेज एक्स्ट्रा याद रखो, ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिया? ऑल राइट बच्चों, सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जो काफी ज्यादा डिटेल में गया अदर देन NCERT टेक्स्टबुक। आने वाले लेक्चर में हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसका जैसे जैसे मैंने ट्रिक्स बताया उस हिसाब से इसका नोट्स बना के रखो और इसको प्रैक्टिस करो। कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू बच्चों।